उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से इस वक्त हाई अलर्ट पर है, इसी को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सांसद प्रदीप टमटा जी। सर, देखा जाए तो जिस तरीके से हम उत्तराखंड की बात करते हैं, देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, ऐसे में तो लगातार आपदाएं होती जा रही है। हाल ही में हमने देखा कि टिहरी में भी एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। आपको लगता है कि आपदाओं को कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से जो किया जाना चाहिए, सरकार अभी उस तरीके से वो सारी चीज़ें कर नहीं पा रही है? देखिए, टिहरी की घटना तो बहुत ही बड़ी त्रासदी है। स्कूल के बच्चे मासूम 6 बजे से ऊपर उसमें चल बसे। आखिर राज्य की सरकारें ये लगातार पिछले 6 महीने के अंदर राज्य के विभिन्न हिस्सों में, पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाएं घटी है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि बस ठीक नहीं थी, जीप ठीक नहीं थी, लाइसेंस ठीक नहीं था, ठीक ढंग से नहीं चल रहा था, कहीं शराब के मामले आ रहे हैं, तो आखिर राज्य सरकार, जिसकी अधिकांश आय का एक बहुत बड़ा सोर्स, जिसको कहते हैं हम, चाहे धार्मिक पर्यटन हो या टूरिज्म हो, वो आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर निर्भर करता है। किसी राज्य की जितनी यातायात व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुरुस्त होगा, चौकस होगा, है संविधाओं को समझने वाला होगा, तभी लोग उस राज्य की ओर आएंगे। और उत्तराखंड पिछले लगातार आपदाओं का शिकार हो रहा है, लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है, कहीं सड़क हादसे के अलग अलग कारण हो सकते हैं। क्या उसको संभालने के लिए राज्य की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और आखिर इस तरह की जो सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कौन उसके लिए, जो स्कूल की अगर गाड़ी थी तो वो ठीक थी या नहीं थी, स्कूल को परमिशन थी या नहीं थी, वो बहुत से सारे सवाल हैं राज्य की सरकार को। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये है कि कई विकास परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है, ऑल वेदर रोड की बात की जाए उसको लेकर भी जो है काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है, एनजीटी की तरफ से भी आदेश आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से जहाँ एक तरफ उत्तराखंड विकास की तरफ पहुँचता जा रहा है, वहीं अगर देखा जाए तो जो ज़मीनें हैं वो खोखली होती जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं भूकंप जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। अगर हम आपदा की बात करें तो कहीं बादल फटते नजर आ रहे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली तरीके से रोका जा सकता है, लेकिन हालात अभी बेहद बदतर है। देखिए, अभी चमोली के अंदर घाट क्षेत्र में क्लाउड बस्ट हुआ है, 6 से ऊपर के लोगों की डेथ हुई। 2016 में जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो उस समय उसके बाद ही एक वीके चतुर्वेदी की कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, उसने इन तमाम सवालों के, उत्तराखंड के अंदर जो निर्माण की कार्य है, निर्माण की टेक्निक है, सड़क निर्माण हो, भवन निर्माण हो, उसमें किस तरह की चीज़ों को देखा जाना चाहिए, उसमें बहुत सी चीज़ें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मैं भावना, R9 TV दिल्ली।